और यहाँ खेत पूरे भर रखे हैं, बरसात ही इतनी हो रही है। इस नेचुरल स्विमिंग पूल कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। और हमारी गाड़ी भी जा रही है, देखो पानी है, इतना पानी आ रहा है। देखो अगर नीचे गाड़ी ले गया ना मैं, और तैर जाएगी गाड़ी। देखो ये पानी यहाँ आ रखा है, यहाँ से दिखाता हूँ। स्विमिंग पूल में जाने की जरूरत ही नहीं है, लोग यहाँ नहा सकते हैं। अरे गाइस यहाँ तो पानी सूख गया है, बाढ़ अच्छी थी, हमारा कंटेंट चला गया। ब्लॉगिंग का मात्र रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है ना जगहों की, मौसम विभाग वाले लग गया। ओ देखो ओ भाई साहब, भी कर इतना भर गया पानी, पूरे यहाँ तक आ गया। देख आगे वाला है, ये वाला है, वो वाला नदी देख, कुछ ज्यादा ही पानी नहीं आ गया। नीचे लोग भी गए और उस तरफ से भी लोग गए। देखो बहुत ज्यादा ठंडी हो रहा है, हड्डियां कड़कड़ा रही। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रिवील द रियल। और आज देखो हम निकले हैं भागपुर से, और हमारा ब्लॉग आज बन रहा है भागपुर में, क्योंकि मेरे साथ पता ही चल गया होगा कौन आया होगा। ये देखो कौन है। और आज हम आए हैं भागपुर में और टुक टुक जा रहे हैं। तो और यहाँ खेत पूरे भर रखे हैं, बरसात ही इतनी हो रही है। देखो गाड़ी भी अभी पूरी भीगी हुई है, दिख रहा होगा। अभी आगे वो रेलवे फाटक भी दिखाना, अभी आगे दिखाएंगे कि कितना पानी भरा है। और मैं तुम्हारा दोस्त, होस्ट, सब कुछ। और मेरे बाल बहुत लंबे हो गए, मुझे पता है अजीब से हो गए, पर मैं सोच रहा हूँ एक दो महीने बाद एक ही साथ में पूरे कटा लूंगा, फिर ताकि मेरे अच्छे बाल आए। क्यों? गौरव जोन नहीं हूँ मैं। और आज के ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं भागपुर से ही शुरू करते हैं। चल आगे दिखा। और बहुत टाइम बाद कार में ब्लॉग बना रहा हूँ, काफी मजा आ रहा है। बोलेरो का ही बनाया था लास्ट टाइम, उसके बाद से तो बनाया नहीं। और यहाँ पे अभी इतना पानी भरा हुआ है ना, इतना पानी भरा हुआ है, किसी ने सोची ना होगी। ये तो मिल गया कुछ, दिखाता हूँ। ये देखो गाइस पानी, ये देखो। और ठाकुर वालों ने चेयर भी लगा दी है बैठने के लिए। पूल बन रखा है, ये देखो गाइस नेचुरल स्विमिंग पूल। इतना पानी आ रहा है इसमें, कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। और हमारी गाड़ी भी जा रही है, देखो पानी में इतना पानी आ रहा है। देखो इतना ज्यादा पानी आ रहा है, ऑफ रोडिंग होने वाली है इसमें। अगर नीचे गाड़ी ले गया ना मैं, और तैर जाएगी गाड़ी। हेलो भाई, इंजन में चला जाएगा पानी, पूरा पानी अंदर चले गया। एसी बंद कर देता हूँ, फैन उसका चल रहा है। और गाड़ी बंद हो चुकी है गाइस, अब क्या होगा गाइस। पूरी गाड़ी दुबा दी यहाँ पे, फोन कर करके परेशान कर रहे, रुक जाओ। और देखो किसी का चप्पल भी लटक रहा है, चप्पल गैंग जिंदाबाद। पूरी गाड़ी आगे चली गई थी, उठा लो भाई साहब। और यहाँ पे रेलवे ट्रैक है भागपुर का, ये देखो पटरी। और कमेंट करके बताना कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। मेरे को तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत लंबे हो गए, पर मैं सोच रहा हूँ एक ही बार में कटा लूँगा, एक दो महीने बाद। मतलब थोड़ी ठंडियाँ आएगी ना अक्टूबर के टाइम पे, फिर मैं पूरे बाल कटा लूँगा, फिर उसके बाद थोड़े घने आएंगे। और अभी तो हम जा रहे हैं यहाँ से, क्या कह रहे हो? मम्मी का फ़ोन आ रहा, कर लूँ एक बार। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं अभी ब्रेक के बाद। और गाइस देखो यहाँ कितनी बारिश आई थी, अभी मैं यहाँ भी दिखाऊँगा, इतना पानी भरा हुआ है ना, ये देखो। पूरे में पानी भर रखा है। अभी जहां से हम मुड़ेंगे वहां को दिखाऊंगा मैं, वहां भी इतना पानी आया होगा। और गाइस यहाँ पुलिस वाले हैं, पुलिस वाली दीदी भी खड़ी है। पुलिस वाली दीदी सोच रही है आज इनके चालान काट देती हूँ, पर हमारे पास तो सब कुछ है भाई, हमारा चालान नहीं काट पाओगे तुम। वो देखो ये पानी यहाँ आ रखा है, यहाँ से दिखाता हूँ मैं। वेरी सुंदर, मज़ा आ गया ना दिखने में। स्विमिंग पूल में जाने की जरूरत ही नहीं है, लोग यहाँ नहा सकते हैं, इतना पानी आया हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पानी जो है वो
चलेगा ही, अभी आते ही रहेगा क्योंकि बरसात तो रुक नहीं रही है, बरसात तो रोज ही हो रही है। रोज चंपा जिले में छुट्टी पड़ जा रही है ना। हाँ रोज अलर्ट आ रहा है और रोज शाम को बहुत भयंकर बारिश हो रही है। लेकिन सही हो रखा है, वो घर में, अगर घर में नहीं होते तो फिर दिक्कत थी, वहाँ क्या ही करते अकेले। अभी घर आ रखे हैं तो वहाँ रास्ता ही नहीं खुल रहा है गाइस, तो जा नहीं पा रहे ना। आज भी घर ही है ना मौसी? हाँ बढ़िया है, छुट्टी हो रही है। मौसी यानी कि मेरी बुआ, इनकी मौसी जो कि टीचर है पहाड़ों में, वो भी बहुत दूर पहाड़ों में, और उनकी छुट्टियाँ हैं तो सही है, वहाँ रास्ते खराब होते हैं ना और यहाँ से कुछ नहीं आ रहा। और अभी जहाँ वो पानी में गए थे ना, वहाँ अभी इस साइड से जाके दिखेंगे कितना पानी आया है। अभी आज बारिश हुई थी सुबह से? हाँ आज तो थोड़ी देर रुकी है ना, अभी तो रुकी है, आज तो कम हो गया होगा। और ये फागपुर की पीछे वाली साइड है, ये भी तो मैंने ब्लॉग में दिखाई था ना, लोगों को पता ही होगा, पर इतना पानी भर गया है ना बरसात से। बाप रे, कहाँ कहाँ दिखाया तूने? हाँ ये दिखाया तो था यहीं से, यहीं से तो आया था मैं। ये कैंप फैम भी तो दिखाए होंगे तुमने? ये सब दिखा दिए, रिक्वेस्टेड वीडियो में तो दिखाए थे। अरे हाँ, वो भाई ने रिक्वेस्ट किया, मैं वही सोचा था मोटो व्लॉग में आया ना, लेकिन कार में थोड़ी ना है। हाँ थोड़ा पीओवी चेंज हो जाता है गाइस, इतनी स्पीड में हम चलाएंगे तो। आज देखा पानी सूख गया पूरा आज। अरे गाइस यहाँ तो पानी सूख गया है, बाढ़ अच्छी थी, हमारा कॉन्टेंट चला गया गाइस। ओहो यहाँ दिखा, यहाँ तो है पानी, देख पा इतना ही पानी, आगे ज्यादा भरा है, यहाँ नहीं भरा है, है ना, यहाँ सूख गया, यहाँ का अच्छा है वो। हाँ। ये हाइट वो होगी ना, ज्यादा होगी यहाँ की। यहाँ ले जाके भी क्या करेंगे ना, गाड़ी गाड़ी गंदी हो जाएगी। और हमें तो लगा ज्यादा पानी है, पर यहाँ से ज्यादा पानी नहीं आया, वो वहीं भरा हुआ है, कम हो गया। आज बारिश और धूप भी तो तगड़ी आई थी यार, थोड़ी देर बैग जाते गाइस। फागपुर वालों ने तो हमारा कंटेंट ही हमसे छीन लिया, पता नहीं आगे खाली कैसे हो गया, और कैमरा भी थोड़ा गंदा है, धुंधला आ रहा है क्या? हाँ बारिश के उससे उसमें छीटे ईटों से पानी लग गया। तो फिर अब हम दूसरी साइड को जाएंगे, पर आज हम दिखाएंगे कि बारिश से हमारे वहां से क्या हाल हो रहा है। वाला कैमरा? हाँ मैं तेरे फोन वाला सोचा, फोन का तो सही है, फोन का तो मस्त है, बेस्ट कैमरा है। कुछ ज्यादा ऊपर नहीं हो गया? आराम से बम्पर निकलेगा, गाड़ी भी तो बहुत नीचे ना गाइस, कट गई। और ये डॉगीज, ओए डॉगीज भाई से। गाइस अब हम वहां से तो निकल गए और अब दूसरी जगह जा रहे हैं, वहां दिखाएंगे कितना पानी आया पहाड़ों से और कितनी नदी आई है। अब मौका मिलेगा तो नीचे तक जाके दिखाएंगे, नहीं तो ऊपर तो जाएंगे ही। और अभी तो फिलहाल यहाँ पे तो नहीं भरा है पानी, और अभी तो बरसात भी रुक गई है, तो ब्लॉग भी थोड़ा उतरने लायक बन जाएगा अंदर से भी। ब्लॉगिंग का आज रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है ना जगहों की, मौसम विभाग वाले लग रहे हैं, यहाँ ये हो गया वहाँ वो हो गया। आगे मौसम आगे वो दिखाना, ये रास्ता मेरे को बहुत प्यारा लगता है, ये रास्ता तो है ही अच्छा। अभी हम जा रहे हैं शारदा नदी की तरफ, वो भी सलानी कोट वाले रास्ते से, और यहाँ देखो लग भी रहेगी बारिश हुई होगी, क्योंकि यहाँ इतना वो हो रहा है ना मौसम, देखो खराब जैसा, और रोड भी कितनी गीली गीली सी हो रही है क्योंकि थोड़ी देर पहले बरसात हुई है, और बरसात से कई जगह तो बहुत हालत खराब हो रही है, यहाँ तो फिर भी ठीक है, और हेडलाइट ऑन हो जाती है। और यहाँ देखते हैं कितना पानी है, वैसे यहाँ तो डैम है तो हिसाब का ही पानी भेजते हैं, वो देखो वो लॉन्डो को पता नहीं क्या टूट रहे नीचे, अपनी खोई हुई इज्जत अपनी खोई हुई इज्जत यहीं खो गई थी क्या? साइड हो जाओ छोकरो। और देखो गाइस हमारे यहाँ ये जगह बहुत अच्छी है, और लोग दूर दूर से देखने आते हैं। ओ भाई साहब पिकट इतना भर गया पानी, पूरे यहाँ तक आ गया, देख वो देख, कौन सा कह रहे हो आगे वाला है, ये वाला है, वो वाला नदी देख। ओ भाई ये तो मस्त हो गई यार,
गाइस बहुत पानी आ रहा है इधर, देखते हैं चलो कितना पानी जो आ गया। बहुत ज्यादा आ गया, हद से ज्यादा। वो बीच तो पूरा हट ही गया। हाँ, जो हम बीच बीच करते थे ना वो हट गया पूरा ही। अभी आगे जाए, यहीं जाए, यहीं चलते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं इधर से। यहाँ की रिपोर्टिंग बहुत खतरनाक होने वाली है। ओहो, अरे बचा है थोड़ा बचा। भाई साहब क्या व्यू कुछ है। कुछ ज्यादा ही पानी नहीं आ गया? थोड़े दिन पहले मैंने दिखाया था यहाँ तो पानी नहीं था, अभी देखो कितना पानी आ गया है। और वहां से नेपाल वाले भी तो आ रहे हैं। ये क्या पानी जाने के लिए, नीचे लोग भी गए और उस तरफ से भी लोग गए। देखो व्यू देखो एक बार, मस्त ना। अभी अभी हम वो जो डैम क्या जाने वाले हैं वहाँ बहुत भयंकर होने वाला है। कौन सा डैम? वो वहाँ डैम नहीं जाने वाले। अच्छा, उस तरफ जाएंगे नीचे को, वहाँ वहीं तो मजा आएगा। व्यू देखो गाइस, बहुत नदी भर गई। अभी हम वो वहाँ जाने वाले हैं, एक नंबर व्यू आ रहे हैं यहाँ के, बहुत खतरनाक वाले। मजा आ रहे हैं? मजा के बहुत मजा आ रहा है। और कितनी ठंडी ठंडी हवा निकल रही है? नहीं उतनी भी नहीं है, थोड़ी बहुत। मजाक कर रहा हूँ गाइस, बहुत इतनी ठंडी हवा है उतनी नहीं कह रहा बहुत ज्यादा ठंडी हवा है गाइस, इसमें तो हड्डियां कड़कड़ा जा रही है। ऐसा लग रहा है स्वेटर पहन के आना चाहिए था ना। हाँ, स्वेटर पहन कर कंबल लेके, इतनी ठंड हो रखी है, मस्त वाली एक नंबर। लेकिन वहाँ वाला व्यू दिखा यार, वहाँ मस्त लग रहा है वो उधर पे ना। अभी हम उसी व्यू के पास जाने वाले हैं। और जो नेचुरल दिख रही है तो ओ देखो नेपाल के छोकरे पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, लेकिन सच बात है मछली पकड़ रहे पता नहीं क्या। ऐसा नहीं एक्सपीरियंस कर सकते अभी तक 3D, तो जो वो होती है VR टाइप का होता है ना। हाँ, वो हाँ उससे दिख गया, उससे ऐसे ही मजा आएगा ना, जैसे हमें हाँ। अभी आ रहा है पीछे का मौसम दिखा, पीछे का पर मौसम। फिर भी कैमरा उतना कैप्चर नहीं कर पाता। ये देखो गाइस, But you know that I can't help it. You say I'm not.